हरिओम तत्सत। आज हम लोग योग परिचय में श्रीमद् भगवत गीता का सारांश देखेंगे, जो कि खुद 18 अध्याय अर्थात 18 योग का एक संक्षिप्त परिचय है। और यह गीता ही एकमात्र शास्त्र है जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी हम सब मानव जाति के लिए है। आज हम लोग अगले आधे घंटे के अंदर संपूर्ण सारांश देखेंगे योग परिचय के अंदर। इस तरह से यह 18 अध्याय जो है शुरुआत होती है, जिसका योग सूत्र के नाम से, जो पतंजलि जी का योग सूत्र है, उसका भी काफी कुछ इसमें मिलता है। भगवद गीता भारतीय संस्कृति ही सिर्फ नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की सर्वस्व पहचान है। भारतीय साहित्य में इसका एक अनुपम स्थान है। कुछ विद्वान इसे मनोविज्ञान के ग्रंथ की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि इसमें विकृत मनोदशा से ग्रस्त अर्जुन, जो विषाद ग्रस्त हैं, एवं भगवान श्री कृष्ण के संवाद का संकलन है। यह ग्रंथ प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी उपयोगिता आधुनिक समय में बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान समय में समाज का प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में मानसिक समस्या से ग्रस्त है तथा अपने उद्देश्य से भटका हुआ है। कोई सम्मान में अटका है, कोई सम्मान पाने में अटका है, लेकिन जिसको देखो वही कहीं ना कहीं भटका है। यह ग्रंथ ऐसे मनुष्य के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस ग्रंथ के उपदेश सार्वभौम एवं सार्वदेशिक है, जिन्हें अपनाकर मनुष्य स्वार्थ एवं संकीर्णता की तुच्छ भावनाओं से ऊपर उठकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। अवश्य ही यह सब कुछ सुनने के बाद इसके बारे में और कुछ जानने की जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हो जाती है। कुल 18 अध्याय में सर्वप्रथम अध्याय है जिसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक निमित्त बनाकर गीता का ज्ञान जन जन के लिए उद्घोषित किया। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के प्रथम अध्याय में यह बताया है कि किस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था। यह मोह मनुष्य के सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसके ज्ञान पर अज्ञानता का आवरण चढ़ा देता है, जिससे मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति छिड़ हो जाती है। मोह व्यक्ति को आंख होते हुए भी अंधा बना देती है, जिससे मनुष्य अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है। इसी मोह में अर्जुन भी फंस गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह युद्ध कैसे करे, क्योंकि युद्ध में शत्रु सेना में उसके अपने ही सब लोग थे। वह कर्तव्य मूल अर्थात अपने करने योग्य कर्तव्य कर्म से विचलित हो गया। वह इस असमंजस में यह नहीं समझ पा रहा था कि यदि वह युद्ध करता है तो उसके प्रियजन ही मारे जाएंगे और वह पाप का भागी बनेगा। यदि युद्ध नहीं करता है तो वह कायर साबित होगा और अधर्म की जीत होगी। आज हम लोग यह अर्जुन के हताश और निराश होकर शस्त्र त्याग कर रथ में पीछे बैठ जाना ही कुल 46 श्लोकों का संकलन अर्थात यह अर्जुन विषाद योग है। अध्याय का आरंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होकर के अंतिम श्लोक एव मुक्त्वा अर्जुन पर पूर्ण होता है। उसी तरह जब द्वितीय अध्याय पर जाते हैं तो इसमें कुल 72 श्लोक हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में 746 श्लोक हैं, जिसमें कि 72 श्लोक यह द्वितीय अर्थात सांख्य योग, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल और उसी सांख्य शास्त्र का संकलन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को द्वितीय अध्याय में करते हैं। यहां पर श्री कृष्ण ने करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरे हुए शोकग्रस्त अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कुतस्त्वा कस्मल मीदम विश्वे समुपस्थितम अनारे जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर अर्जुन। इस समय यह मोह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण योग्य है और न यह स्वर्ग इत्यादि देने वाला है। इससे तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी अपकीर्ति होगी, अपमान होगा। इसलिए इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वह विषादग्रस्त अर्जुन अपने गुरु के प्रति शस्त्र उठाकर पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता है,
क्योंकि अर्जुन भले ही विषाद ग्रस्त है, अर्जुन भले ही विषाद ग्रस्त है, लेकिन विषाद में भी यदि कोई भगवान को याद करे तो वह भी योग हो जाता है। इसलिए प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग था। और अब भगवान श्री कृष्ण उसको प्रति उत्तर दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और यही सांख्य योग का अर्थात करने योग्य कर्तव्य कर्म से जो विचलित हो गया है उसको अपने कर्तव्य कर्म का बोध करा देना ही सांख्य योग का उद्देश्य है। अर्जुन जब कहता है कि गुरु के प्रति शस्त्र उठाकर पाप का भागीदार कौन भला बनना चाहेगा, गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने हुए अर्थ और भोगों को भोगना नहीं चाहता, और इस प्रकार अर्जुन युद्ध करने से मना करते हुए चुपचाप बैठ जाता है, तब श्री कृष्ण शोक से ग्रसित अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम यह समझते हो कि मैं किसी काल में नहीं था, या तुम नहीं थे, या आगे नहीं रहोगे। यह आत्मा अजर अमर है। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है न मरती है। यह अजन्मा है, नित्य और पुरातन है। यह जीवात्मा नाश रहित नित्य स्वरूप अप्रमेय है। इसके शरीर नाशवान है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वात्सांसि जीर्णानि यथा विहाय नामानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। नैनम छिन्दति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन अर्थात नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। इसमें आश्चर्य कैसा, इस अजर अमर जीवात्मा को शास्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता है, अतः इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। भगवान कृष्ण तथापि कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि, योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग्य उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, अतः तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम आसक्ति त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करो, यही समत्वम की भावना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय युञ्जस्व योगम कर्म सुकौशलम। अर्थात बुद्धिमान पुरुष अच्छे और बुरे कर्मों को इसी लोक में त्याग देता है, वह इसमें लिप्त नहीं होता, बल्कि कर्मों में कुशलता ही योग है। इस प्रकार जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर लोभ मोह ममता आदि से रहित होकर कुशलता अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, कुशल पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वही ब्रह्म आनंद को प्राप्त होता है, अर्थात सच्चिदानंद को प्राप्त होता है। कर्म कीजिए लेकिन कर्मों में आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से, फल के पीछे पागल नहीं होकर के करने योग्य कर्तव्य कर्म को अपने परफेक्शन के साथ अच्छे से कुशलता पूर्वक करना ही यह सांख्य योग का उद्देश्य था। अब तृतीय अध्याय अर्थात कर्म योग में प्रवेश करें तो इसमें कुल 43 श्लोकों का संकलन है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रत्येक मनुष्य को किस प्रकार कर्म करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, इनके न करने से क्या हानि है और इन कर्मों को करने से क्या लाभ होता है, कौन से कर्म मुक्तिदायक होते हैं और कौन से कर्म बंधन कारक हैं, अर्थात यह संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं, और यह मनुष्य का कर्म ही है जो उसे या तो फंसा देता है या बसा देता है। इस विषय पर प्रकाश डाला है भगवान श्री कृष्ण ने। कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत कर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो जो शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। प्रत्येक व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता,
किंतु उन कर्मों में आसक्ति न रखते हुए कर्म करने से उन कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, यही निष्काम कर्म योग है। इस प्रकार फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा अनुसार समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम कर्म योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं कि सृष्टि का चक्र अपने कर्तव्य पालन से चलता है। जो मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है उसी का कल्याण होता है। इस संसार में जो भी आया है सभी के कर्तव्य कर्म निर्धारित है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म निभाते हुए भी दूसरों का हित करता है, दूसरे को उन्नत करता है, उसी का जीवन सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा के स्वरूप में समर्पित हुए ज्ञानी पुरुष को कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्म स्वयं भी करे और अन्य मनुष्यों को भी प्रेरित करे, उन्हें भी इसी तरह से कर्म करने के लिए प्रेरित करे जिस तरह से वह स्वयं कर रहा है, अर्थात शास्त्र के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों पर विजय प्राप्ति कर बुद्धि द्वारा मन पर विजय प्राप्त कर कामना रूपी दुर्जय शत्रु को समाप्त करने का उपदेश इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। कर्म योग के बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग, यह चतुर्थ अध्याय जिसमें कुल 42 श्लोक है। भगवान प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त्वानम अपेयम विवस्वान मनवे प्राह मुनि रिक्षा कवे प्रवीत, अर्थात हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को, अब ये कौन सा योग है, अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला है, सर्वप्रथम सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा पूर्वक यह योग विद्या जो कि लुप्त हो गई थी, आज मैं तेरे समक्ष यह ज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। इस योग विद्या को श्री कृष्ण भगवान ने गुप्त विद्या और उत्तम रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूँ। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ जाते हैं, धर्म का आचरण नहीं होता है, तब तब मैं इस धरती पर सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों की विनाश करने के लिए प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य परमेश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखकर आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुझे ही प्राप्त होता है। जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों में नहीं बंधता। इस अध्याय में द्रव्य यज्ञ, तपस्या यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों का वर्णन किया है। इन सभी में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को संसार में सबसे पवित्र कर देने वाला बताया गया है और इस ज्ञान को साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। वह ज्ञान प्राप्त कर बिना किसी विलंब के भगवत स्वरूप परम शांति को प्राप्त होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इस अज्ञान जनित भ्रम को विवेक ज्ञान द्वारा काट कर समत्व रूप कर्म करने के लिए तत्पर हो जा। पंचम अध्याय में प्रवेश करते हुए कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण 28 श्लोकों के द्वारा अर्जुन को संन्यास और कर्म में कर्तापन का त्याग तथा कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्म संन्यास तथा कर्म योग दोनों ही मानव जीवन के लिए उत्थान के लिए परम कल्याणकारी हैं। परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति कर्म से मुक्त हो नहीं सकता है। कर्म तो कुछ न कुछ इस संसार में है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आसक्ति अनासक्त रहते हुए आसक्ति न हो इस तरह से कर्म करे। राग द्वेष से मुक्त पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
ऐसे कर्मयोगी को ही सन्यासी समझना चाहिए। सन्यास केवल परिवार को त्यागना ही नहीं है, परंतु सन्यास तो मन वचन कर्म के संगम से आता है। गृहस्थ जीवन का कर्तव्य व निष्ठा से पालन करते हुए, दूसरे से राग द्वेष न रखते हुए, निष्काम कर्म करते हुए जीवन यापन करना ही सच्चा सन्यास कहलाता है। जो मनुष्य आसक्ति न रखते हुए समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर कर्म करता है, वह पुरुष उसी प्रकार पापों में लिप्त नहीं होता जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर जल नहीं ठहरता, लिप्त नहीं होता। बुद्धिमान और विवेकी पुरुष विषयों तथा इंद्रियों से उत्पन्न भोगों में नहीं रमते हैं, क्योंकि इंद्रिय सुख दुख के हेतु है, आदि और अंत वाले हैं। अतः श्री भगवान कहते हैं कि योगी पुरुष ही सुखी है। योगी वह है जो इस शरीर के रहते हुए अर्थात मनुष्य शरीर में काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है। यहाँ पर मुक्त पुरुष को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष विषय भोगों का चिंतन न करता हो, जितेंद्रिय हो, जो प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करता हो। अब देखिए यहाँ पर प्राण वायु, वायु पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है, अपान, व्यान, उदान, समान वायु। तो इस तरह से जिसका प्राण वायु और अपान वायु सम रहता हो, ऐसे पुरुष मोक्ष का अधिकारी है। वह क्रोध, इच्छा और भय से रहित हो जाता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा मेरा भक्त सभी द्वंद्वों से मुक्त हो, तत्वदर्शी बनकर परम शांति को प्राप्त होता है। छठा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्म संयम योग जो 27 श्लोकों का संकलन है, इसमें ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय तथा बुद्धि का संयम नितांत आवश्यक है। ऐसे भी धारणा, ध्यान और समाधि को ही तो संयम कहते हैं। दूसरे शरीर, मन और बुद्धि, इन पर संयम ही आत्म संयम है। इसी विषय वस्तु के आधार पर इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया। इस अध्याय में योगारूढ़ पुरुष इसका वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष जिस काल में इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में लिप्त नहीं रहता, वह पुरुष उस काल में सर्व संकल्पों का त्याग करता हुआ योगारूढ़ कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने इस संसार सागर से उद्धार करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य के बस में है कि वह अपना उद्धार करे या अपने को अधोगति में प्रदान करे, क्योंकि वह अपना मित्र आप ही है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मानस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। ध्यान योग के लिए उपयुक्त स्थान आदि का निर्देश इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने के लिए उपयुक्त आसन आदि का वर्णन किया गया है। इसके लिए शुद्ध स्थान जिस पर कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछाए हों, समतल स्थान हो, इस स्थान पर अपने आसन को स्थिर करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सिर, गर्दन तथा शरीर सीधा तथा अचल रखें, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर तथा ब्रह्मचर्य का पालन कर अभयता का साथ साधन करनी चाहिए। ऐसे साधनारत योगी का आहार विहार संयमित होना अत्यंत आवश्यक है। बस में किया चित उसी प्रकार चलायमान नहीं होता जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता। श्री कृष्ण इस मन को बस में करने के दो उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। यह मन अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है और असंयमित मन वाला योग विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता है। साधना के बाद भी जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है, वह फिर पुनः अच्छे कुल में जन्म लेकर साधना करके मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जिसका आहार विहार संयमित है, जिसके कार्यों में दिव्यता है, जिसका शयन एवं जागरण निश्चित है, ऐसे योगी पुरुष को दुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान योग पर प्रकाश डालते हैं।
इसमें कुल 30 श्लोकों का संकलन मिलता है। इस अध्याय में जगत तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान विज्ञान पर चर्चा की गई है। इसमें ईश्वर जीव तथा प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह अपरा प्रकृति 8 प्रकार से विभाजित है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी तीव्र रूप चेतना प्रकृति है जो इस जगत को धारण किए हुए है। संपूर्ण जगत इन परा और अपरा से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर द्वारा इस जगत का उद्भव प्रलय है और संपूर्ण जगत के मूल में मैं ही हूँ ऐसा भाव है। इस संसार में मैं जल में रस, सूर्य में प्रकाश, वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान अपने अनेकों स्वरूपों का वर्णन करते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक, तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार लिप्त रहता है, पर इन तीनों गुणों से परे इस अविनाशी स्वरूप को जानकर जो ज्ञानी जन मुझे भजते हैं वे माया के भ्रम में नहीं पड़ते और इस संसार से तर जाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले और जिन मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, जो राग द्वेष जैसे द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो गए हैं, ऐसे दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे भजते हैं और ऐसे युक्त चित वाले पुरुष मुझे जानकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि यह भगवान को जो जान लिया, भगवान की सुंदरता को, जिसको राम से प्यार हो गया, इस जगत के इस चाम से क्या मतलब है। अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाइश देते हैं, सगुण और निर्गुण रूप का वर्णन करते हैं। अध्यात्म धर्म से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म परम अक्षर है तथा ईश्वर का स्वरूप ही जीवात्मा ही अध्यात्म नाम से कहा जाता है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समत भावम याति ना याति नास्त्रस्य संशयः, अर्थात जो पुरुष अंत काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त से निरंतर अपना स्मरण करने को कहते हैं। ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार जो हरि स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करता है वही ईश्वर को प्राप्त होता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। इसके लिए भक्ति योग से युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में अपने प्राण को लगाकर निश्चल मन से स्मरण करता है, वह मनुष्य उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। निर्गुण स्वरूप की उपासना ओम के माध्यम से करने का उपदेश किया गया है। इंद्रियों पर संयम कर और मन के द्वारा प्राण को मस्तक में धारण कर अपनी धारणा परमात्मा में लगाकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का निरंतर उच्चारण करता हुआ उस निर्गुण स्वरूप का ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को पा जाता है। नौवें अध्याय अर्थात राज विद्या राजगुह योग में कुल 34 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त जगत को उत्पन्न करती है। कल्पांत में समस्त भूत मेरी ही प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं तथा कल्प के आरंभ में मैं फिर उन्हें उत्पन्न करता हूँ और मेरे द्वारा ही यह प्रकृति पूरे चराचर जगत को रचती है। इस तरह यह संसार चक्र घूमता है। तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ जो अनन्य प्रेम से मुझ परमेश्वर को निरंतर और नित्य चिंतन करते हैं, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूँ और भगवत प्राप्ति के निमित्त साधनों की भी रक्षा मैं ही करता हूँ। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, खाता है, दान करता है, जो हवन करता है, जो तप करता है, वह सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे। इस प्रकार समस्त कर्म जब ईश्वर को अर्पण होते हैं तब मनुष्य संन्यास योग से युक्त चित्त वाला होकर
कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है और वह निश्चयात्मक बुद्धि वाला है, अर्थात उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है, तो उसको भी साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है। इस प्रकार हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान ले कि मेरा भक्त कभी अहित नहीं होता, कभी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, जो मेरे परायण होता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। अब भगवान अपने विभूतियों के बारे में दसम अध्याय में बताते हैं। इसमें योग शक्ति तथा भक्ति योग का वर्णन मिलता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ, सभी की आत्मा हूँ तथा सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, आदित्या नामहम विष्णु ज्योतिर्संचार विरंसुमान मरीचि मरुतस्मास्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदो अस्मि देवानां अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना रुद्राणां शंकरस्वास्मि बिन्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकस्वास्मि मेरु शिखरिणामहम्। अर्थात अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं ही हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक देवता और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों के चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ, एकादश रुद्रों में स्वयं शंकर का स्वरूप हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और वसुओं में अग्नि, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु, शब्दों में ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ और सभी वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा हूँ। अर्थात जो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ है वह मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दमन करने वालों को दंड देने वाला हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का वर्णन तेरे लिए बहुत ही संक्षेप से किया है। इस संसार में जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, शक्ति से युक्त और कांतिमान सर्वशक्तिमान वस्तु है, उस प्रत्येक वस्तु में तुम मेरे ही तेज की अभिव्यक्ति समझ, क्योंकि मैं इस संपूर्ण जगत योग माया से धारण किया हूँ और एक अंश मात्र से धारण किया हूँ। एकादश अध्याय जहाँ पर भगवान विराट रूप का दर्शन देते हैं, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में कुल 55 श्लोकों का संकलन है। भगवान श्री कृष्ण परम गोपनीय तथा अध्यात्म विषयक वचनों को सुनने से अर्जुन का अज्ञान अब नष्ट हो चला है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मैंने आपकी अविनाशी महिमा सुनी है, आपका ज्ञान, तेज, ऐश्वर्य मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास है और मुझको पात्र मानते हैं, तो इन स्वरूप का दर्शन मुझे कराइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों नाना प्रकार के, अनेकों वर्णों के तथा अनेकों आकृति वाले स्वरूपों को देख। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपने अनेकों रूपों का दर्शन कराते हैं। अनेकों मुख, नेत्र, दिव्य आभूषणों से युक्त, दिव्य शस्त्रों से युक्त, दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध, दिव्य लेप, सभी ओर मुंह किए हुए विराट स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप अर्जुन ने देखा। विस्मित व हर्षित अर्जुन उस प्रकाशमय विश्वरूप परम देव परमात्मा को रिद्धा भक्ति के साथ सिर झुकाकर प्रणाम कर बोले, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों का दर्शन कर रहा हूँ। समस्त भूतों, ब्रह्म, महादेव, समस्त ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ये संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको मैं अनंत रूपों वाला, जिसमें अनेक भुजाएं, पेट, मुख और नेत्र समाहित हैं, जिस स्वरूप का आदि, मध्य और अंत नहीं दिखाई पड़ता, आप ही परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म
परमात्मा हैं, आप ही जानने योग्य हैं, क्योंकि आपको जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। इस जगत के परम आश्रय दाता आप हैं, आप ही अनादि अविनाशी ब्रह्म सनातन पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और युद्ध में प्रतिपक्षी सेना में जो भी योद्धा है वे सभी पहले से ही मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। तुम्हारे द्वारा ना मारे जाने पर भी इनका विनाश निश्चित है। अतः उठकर यश प्राप्त कर, शत्रु को जीतकर, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगने के लिए तैयार होकर युद्ध कर। 12वें अध्याय जो भक्ति योग नाम से है, इसमें कुल 20 श्लोक है। इस अध्याय में सगुण और निर्गुण अर्थात साकार और निराकार उपासकों की श्रेष्ठता का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में मन को एकाग्र करके मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं, वे श्रद्धा से युक्त होकर सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वह योगियों में अति उत्तम योगी हैं, जो मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझ में चित लगाते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करने वाला होता हूँ। अतः मुझ में मन को लगा और हे अर्जुन, मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा दे। इस प्रकार मन और बुद्धि को मुझ पर लगा देने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और यदि मुझ में मन लगाने में असमर्थ है तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर, और यदि अभ्यास योग में भी समर्थ नहीं है तो कर्मों को मेरे लिए कर। इस प्रकार मेरे लिए कर्म करता हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी और सुख दुख में सम है, जो संसार में आसक्ति से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो समत्व की भावना रखता है, जो मननशील संतोषी आसक्ति से रहित स्थिर बुद्धि भक्त, वह मुझे प्रिय है। 13वें अध्याय जो क्षेत्र और क्षेत्र विभाग के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें कुल 34 श्लोकों का संकलन है। इसमें क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा का वर्णन किया गया है। क्षेत्र प्रकृति एवं क्षेत्रज्ञ पुरुष है। ज्ञानी पुरुष जिसको जानकर अमृत तत्व को प्राप्त होता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा अनादि है, सत्य है। वह परम ब्रह्म चराचर भूतों के बाहर भीतर सभी जगह वही है। वह सूक्ष्मतम होने से साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आ पाता है। वह परमात्मा ज्योतियों का पुंज व माया से परे है। वह परमात्मा जानने के योग्य है। वह उस जानने योग्य परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान से की जा सकती है, और वही परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात विकारों से युक्त प्रकृति को और पुरुष को जो तत्व से जानना ही ज्ञान है, वह कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों को अपनाने पर ही अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेता है। इस देह में स्थित आत्मा परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा है, सभी का भरण पोषण करने वाला, जीव रूप से भोक्ता और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य पुरुष को गुणों से प्रकृति को मनुष्य तत्व से जानता है और सभी प्रकार के कर्तव्य कर्म करता है, वह फिर से जन्म नहीं लेता है। इस प्रकार मनुष्य परमात्मा को सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और कुछ कर्म योग के द्वारा मुझे देखते हैं या प्राप्त करते हैं। भगवान से कृष्ण आत्मा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, यथा प्रकाश यत्कम यत्सनम लोकमिमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा तस्नम प्रकाशयति भारत। अर्थात जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो ज्ञान के नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेता है और क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान मानता है तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन अविनाशी अभिकारी जानता है और प्रकृति से मुक्त होने के लिए प्रयासरत रहता है, वही ज्ञानी पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है।
14वें अध्याय जो गुण त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है, इसमें कुल 27 श्लोकों का संकलन है। इस अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति को संपूर्ण भूतों की योनि बतलाते हुए कहते हैं कि जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है तथा परमेश्वर बीज के स्थापन करने वाला पिता है। इस प्रकृति के तीन गुण हैं सत, रज और तम। प्रकृति से उत्पन्न ये तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधे रहते हैं। हे अर्जुन, सत्व गुण मनुष्य को सुखी बनाता है, रजोगुण कर्मों में तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा देता है। सत्व गुण के बढ़ने पर देह तथा अंतःकरण तथा इंद्रियों में चेतनता तथा विवेक शक्ति उत्पन्न होने लगती है। वही रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, स्वार्थ बुद्धि, अशांत बुद्धि और विषय भोगों की ओर लालसा उत्पन्न होने लगती है। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण तथा इंद्रियों में अप्रकाश, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, ये सभी वृत्तियां उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्गति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाह, जघन्य गुण वृत्ति अस्था अधो गच्छन्ति तामसाह। अर्थात सत्व गुण में स्थित पुरुष मृत्यु को प्राप्त होने पर उच्च लोगों अर्थात स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। रजोगुण में स्थित पुरुष के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त जब होता है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण में स्थित पुरुष मृत्यु के उपरांत अधोगति अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों में जाता है। 15वें अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम योग जिसमें 20 श्लोक है, इस अध्याय में संसार रूप वृक्ष भगवत प्राप्ति के उपाय, परमेश्वर का स्वरूप और पुरुषोत्तम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक विशाल वृक्ष है जिसमें विषय भोगों की कोपल है, अहम, ममता और वासना की जड़ें हैं। इस वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शास्त्रों से काटकर उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी भूतों को अपनी शक्ति से धारण करता हूँ, समस्त वनस्पतियों औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही वैश्वानर रूप अग्नि हूँ जो कि चार प्रकार के भोज्य, भक्ष्य, भोज्य, लेस्य तथा चोष्य अन्न को पचाता हूँ। भोजन चार प्रकार का होता है। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मनुष्य में स्मृति ज्ञान मेरे ही कारण है। मैं सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं उस अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ज्ञानी पुरुष सब ओर से निरंतर मुझे ही भजते हैं। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देवासुर संपत्ति विभाग के बारे में बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी संपदा को लेकर उत्पन्न पुरुष के लक्षण यह है कि वह अंतःकरण की शुद्धता, सरलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ अव्ययता, इंद्रियों का दमन, सात्विक दान, वेद और शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र, उत्तम कर्मों का आचरण, भगवान के नाम का भजन कीर्तन, स्वधर्म के पालने के लिए कष्ट सहन करना, मन वचन तथा बाणी से किसी को कष्ट न देना, कर्मों में कर्तापन का अभाव, चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा आदि न करना, विषयों में आसक्ति न होना, अपने अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना आदि देवी संपदा से उत्पन्न पुरुष के लक्षण होते हैं। तेज, क्षमा, धृति, सोचम, द्रोहो, नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, किसी में शत्रु का भाव ना होना, अपने में उच्चता के अभिमान का अभाव होना, ये देवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। दंभो, दर्पो, विमानश्च, क्रोध, पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मा सुरीम। अर्थात पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा
मनुष्य को मुक्त करती है वही आसुरी संपदा बंधन के कारण है। आसुरी संपदा प्राप्त मनुष्य स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं, धन और मद के मान से युक्त होकर पाखंड करते हैं तथा शास्त्रों के विरुद्ध आचरण व यज्ञ करते हैं। उन पापियों का इस संसार में बार बार जन्म होता है और वही आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों को नरक का द्वार कहा गया है। ये तीनों आत्मा का नाश कर अधोगति प्रदान करते हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष इन तीनों का त्याग कर कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्र विधि से नियत कर्म करता है वह मुझको प्राप्त होता है। 17वें अध्याय अर्थात श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा का मनुष्य में उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है, इसलिए जो पुरुष जैसे श्रद्धा रखता है वह स्वयं भी वही होता है। सात्विक श्रद्धा रखने वाले पुरुष देवताओं का पूजन, ध्यान, चिंतन, मनन करते हैं। सात्विक पुरुष का भोजन उसकी प्रकृति के अनुसार सात्विक होता है। सात्विक आहार आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले हैं। सात्विक आहार इस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा मन को प्रिय लगने वाले होते हैं तथा सात्विक भोजन ग्रहण करने से हमारा चित्त भी प्रसन्न रहता है। राजसिक पुरुष शास्त्र विधि से रहित स्वयं कल्पित घोर तप करते हैं। वे अहंकार, काम, क्रोध और बल से युक्त आचरण करते हैं। राजसी पुरुष का भोजन कड़वा, खट्टा, लवण युक्त, तीखा, गरम, दाह कारक है, जो कि दुख, चिंता तथा रोगों को बढ़ाने वाला तथा प्रमाद बढ़ाने वाला होता है। तामसी पुरुष अशास्त्र विधि से आचरण तथा भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। तामसी पुरुष का भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी होता है। यह अपवित्र भोजन तामसी श्रद्धा वाले व्यक्ति को प्रिय होता है, जो कि कलहकारी परिस्थिति पैदा करता है, रोग, तनाव, द्वेष, अशांति आदि उत्पन्न करने वाला होता है। दान देना ही कर्तव्य है, इस भाव युक्त होकर बिना लाभ की इच्छा के दान देना सात्विक कहा जाता है। जो दान क्लेश पूर्वक अपना उपकार करने वालों को तथा फल को दृष्टि के सामने रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है, तथा जो तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में दिया जाता है और कुपात्र को दिया जाता है वह तामसिक दान है। अतः हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन तथा दिया हुआ दान तथा और किया हुआ तप और कोई भी शुभ कर्म जो ऐसा होता है जो इस लोक में लाभदायक होता है और न उस लोक में लाभदायक होता है, इस प्रकार मनुष्य के सभी कर्म निष्का भाव से श्रद्धा एवं पूर्वक करना चाहिए। अर्थात दान करना चाहिए, हवन, पूजा पाठ इत्यादि सभी शुभ कर्म जीवन में करना चाहिए। 18वां अध्याय। अब समय आ गया है कि व्यक्ति इन सभी ज्ञान को पा करके सभी योग को अपने जीवन में उतार करके और मोक्ष की प्राप्ति करें। इस प्रकार इसमें 78 श्लोकों का संकलन है, जिसमें कि सांख्य सिद्धांत, वर्ण धर्म, पराभक्ति, निष्काम कर्म योग तथा शरणागति का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ, दान एवं तप के संदर्भ में अपना उत्तम मत बताते हुए कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों तथा अन्य कर्तव्य कर्मों से आसक्ति न रखते हुए फलों का त्याग कर इन्हें करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ मत है। निश्चित व काम्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, परंतु शास्त्र विहित कर्मों का शक्ति के बिना फल का त्याग कर शास्त्र विहित कर्मों का आसक्ति के बिना फल का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र सम्मत कर्म फल का त्याग कर करने से सात्विक त्याग माना जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझमें मन को रमा दे, मेरा भक्त हो, सर्वधर्मान्य परित्याज, माम एकम शरणम ब्रज, मेरा ही पूजन कर, मुझमें ही पारायण हो जा, सभी धर्मों का त्याग कर केवल मुझ परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। और जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र का पठन पाठन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा विचार है।
मेरे पराया हुआ निष्काम कर्मी होगी तो मुझ में रमण करता हुआ संपूर्ण कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ अंत में मेरी ही कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह श्रीमद् भगवद गीता के कुल 18 अध्याय के संक्षिप्त सारांश यहाँ पर संपन्न होता है, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को आसक्ति त्याग कर अर्थात फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने के उपदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्म न करने की तुलना में कर्म करना ही श्रेष्ठ है एवं कर्मों में भी शास्त्र विहित अर्थात शास्त्रों के अनुसार कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि इन कर्मों के करने से साधक कर्म फलों एवं संसार में लिप्त नहीं होता और इस संसार सागर रूपी भंवर में नहीं फंसता। ऐसा निष्काम कर्म योगी संसार सागर से तरता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। यह ग्रंथ अस्थिर मनोदशा से युक्त पुरुष के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसका ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य अपने कर्तव्य मार्ग को समझकर उसका अनुसरण करने में सक्षम होता है। इसलिए इस ग्रंथ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसे पढ़ने सुनने जानने एवं अनुसरण करने से प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार यह आज हम लोग श्री मद भगवत गीता के कुल 18 अध्याय पढ़े। अब अगले अध्याय में हम लोग हट प्रदीपिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि षट कर्म इत्यादि का बहुत ही विस्तार से व्याख्या है। आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।